हेलो शिक्षा सिटी फैमिली, मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ कोर्सेज़ मैंने कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखें। वो आपके एग्जाम्स के लिए, इवन अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज के भी लिंक दे दूंगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज में हों, चाहे अदर कोर्सेज के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए, नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप इसी तरीके से कुशल मंगल रहें और खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के जो लोकसभा से संबंधित होंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आपके लोकसभा पे पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है? क्योंकि आपने रेलवे के एग्ज़ाम में देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा से दुनिया भर के प्रश्न आए हुए थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप इसको, इस पर बेस्ड पूरा एक अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अगर लोकसभा का कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक जो होता है उसका, उसको पारित करने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ लोकसभा के ही पास होता है, ठीक है? तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दो चीज़ आप ऐसे पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए कि लोकसभा के सदस्य की सदस्यता अगर आप 2 महीने तक अनुपस्थित हैं तो समाप्त कर दी जाएगी, और वित्त विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद हमेशा उत्तरदायी होता है, ठीक है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल हमेशा आपातकाल की स्थिति में उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये भी देखेंगे दोस्तों कि अभी तक कितनी बार ऐसा हो चुका है, और ये जो आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाने का जो एक अधिकार दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद एक बार में लोकसभा कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, ठीक है? दोस्तों देखिए, संसद जो है वो एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपातकाल आया और उसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ा दिया गया था, ठीक है? 1976 में, याद रखिएगा कि किस वर्ष लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, तो 1976 में बढ़ाया गया था, और इसको मैक्सिमम सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कब बढ़ाया जाता है? सिर्फ आपातकाल की स्थिति में, ठीक है? 3 पॉइंट आपको एक दूसरे से रिलेटेड मिल गए यहाँ पे देखने के लिए। इसके बाद दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, ठीक है? प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान उसको हम लोग शून्यकाल उसको बोला जाता है, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में अपना व्यक्तित्व जरूर दे सकता है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपको ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा भी गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है?
लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने का भी पावर राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र हमेशा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो दोस्तों निर्णायक मत देने का अधिकार हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का सचिवालय कौन नियंत्रित करता है? तो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे, गणेश वासुदेव मालवंकर इनका नाम है, मालवंकर, तो ये भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारत भारतीय संसद का दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगर करनी है तो वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है? दोस्तों नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए लोकसभा राज्यसभा का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एक लेसन लेके आऊँगी जिसमें हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं और क्या प्रमुख उसमें बातें हैं, जो बिंदु है वो आपको पता होना चाहिए। तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये प्रश्न आप कॉपी पे कहीं भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, @शिक्षा सटी करके आप सर्च करिए टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे हम लोगों से जुड़ जाइए। और दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ उसका नोट्स मैं वहाँ पे आपको ज़रूर दे देती हूँ, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको शॉर्ट नोट्स ये एक बार एग्ज़ाम के पहले देखने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? चलिए प्रश्न पे आ गए हम लोग। तो लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का स्पीकर जो है वो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बताना है अभी लोकसभा स्पीकर कौन है, ठीक है। इसके बाद कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया? तो KS हेगड़े के खिलाफ दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आया था, ठीक है। लोकसभा का जनक किसको माना जाता है? तो जीवी मालवंकर को ही लोकसभा का जनक भी माना जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा का जनक याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर गौर करिएगा। लोकसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम आपंगर थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? अनंत शयनम आपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक है? तो दोस्तों बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे क्या रहा आपका? लंबा रहा, ठीक है, याद रखिएगा। बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको महिला अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो आपको इनका नाम लिखना है। वैसे आपको पता, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर एब्सेंट हैं, वो अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है, ठीक है। जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होगा वही लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन है? दोस्तों राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन होता है आपका? लोकसभा महासचिव होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो दोस्तों भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं, ठीक है। किसकी तरह होते हैं? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है।
दोस्तों लोकसभा का सचिवालय जो है वो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसका पर्यवेक्षण और नियंत्रण जो है वो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमने बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जो आपके लोकसभा से संबंधित एग्जाम में पूछेंगे। इनके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने शॉर्ट में लोकसभा संबंधित क्या क्या चीज़ें देखी हैं। हमने देखा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है, ठीक है। हमने देखा कि राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का जो सम्मेलन का जो पदेन महासचिव होता है वो हमारा लोकसभा महासचिव होता है। और हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, ठीक है। कौन करेगा? वरिष्ठतम सदस्य करेगा। और दोस्तों बलराम जाखड़ ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। सबसे पहले लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था अनंत शयनम आपंगर, ठीक है। और लोकसभा का जनक हम लोग जीवी मालवंकर को बोलते हैं। और KS हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति का काम हमेशा लोकसभा स्पीकर का होता है। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। पूछा जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। और लोकसभा का सचिवालय दोस्तों हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष को दृढ़ांक मत देने का भी अधिकार होता है और उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। और लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति हमेशा नियुक्त करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक शब्द में हम लोग शून्यकाल, प्रश्नोत्तर, जो प्रश्नोत्तर वो होता है हमारा प्रश्नोत्तर काल होता है, प्रश्नोत्तर सत्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शून्यकाल, ठीक है। और 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक ही करके 2 बार बढ़ा दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी आपातकाल की स्थिति में। और मंत्रिपरिषद के लिए हमेशा लोकसभा जो है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। और वित्त विधेयक जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोकसभा ही पारित कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी सदस्य जो है लोकसभा का वो 2 माह तक एबसेंट है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यही सारे क्वेश्चन जो हैं आपके दोस्तों लोकसभा पे पूरे बेस्ड हैं। लोकसभा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब अगर आपको पूरा जो है वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिएगा ताकि हम लोग को हम लोग आप तक ये जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो पहुंचा सकें। दोस्तों हर एरिया से संबंधित वीडियो हम लोग अपने चैनल पे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी से भी रिलेटेड और हिस्ट्री पॉलिटी से भी रिलेटेड और करंट अफेयर से भी रिलेटेड, हर तरीके का जो है वीडियो आपको यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आप डेली बढ़िया से उसको देख पाए क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसको कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और आप शिक्षा सटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF अपलोड कर लें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।